हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे कैसे परसेंटेज की हम लोग वैल्यू फाइंड करें। ठीक, जैसे आप मॉल में आप जाते हैं, ठीक, तो वहां पर लिखा रहता है 70% डिस्काउंट, 80% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट। तो वहां पर आपको कैसे पता चलता है कि अगर मान लो हमने कोई चीज़ खरीदी तो 70% कितना होता है। ठीक, तो उस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करे जाएं, आपको कैसे पता चले अगर मैंने कोई मॉल में 70 रुपीज़ की कोई चीज़ खरीदी है तो मुझे उस पर कितना कितना पे करना पड़ेगा अगर वहाँ पर 70% या 20% डिस्काउंट चल रहा है। ठीक, मान लीजिए लेफ्ट साइड में आपके एग्जांपल्स हैं ये, उससे पहले कुछ कॉन्सेप्चुअल बात कर लेते हैं दोस्तों। मान लीजिए आप किसी मॉल में जाते हैं और मॉल में जो डिस्काउंट चल रहा है वो है 50% का। ठीक, 50% का आपको डिस्काउंट चल रहा है उस मॉल पर। मान लीजिए उस अगर आप उस मॉल से कोई 100 रुपीज़ की चीज़ बाय करते हैं, 100 रुपीज़ की चीज़, ठीक, तो उसका जो फिक्स प्राइस है, मतलब जो उस पर लिखा हुआ है मार्क्स प्राइस, वो तो 100 रुपीज़ है, मगर क्योंकि वहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है और डिस्काउंट कितना है 50% है, तो आपको 100 रुपीज़ नहीं देने पड़ेंगे। तो कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे, कितने रुपए पे करने पड़ेंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, जितने रुपए की आपने चीज़ खरीदी है, ठीक, उसको लिख लेते हैं 100, और जितना परसेंटेज वहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 50% से। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर परसेंट तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाई 50, और ये हमने बताया था परसेंटेज नीचे आके क्या बन जाएगा आपका 100 रुपीज़। तो यहाँ पर 1 लेट कर लेंगे, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया दोस्तों, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे, 10 5 ज़ा हो जाएगा 50, मतलब आपको जो वहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है वो कितने का मिल रहा है, 50% का, मतलब 50 रुपीज़ का। मतलब अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो आपको 50 रुपीज उस पर माफ पड़ जाएंगे, क्योंकि 100 रुपीज का 50% कितना होता है, 50 रुपीज। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। इसी तरह से हम ये सब लेफ्ट वाले सवाल करेंगे वन बाय वन, और आगे मैं और अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो दोस्तों ये होता है कोई भी परसेंटेज की वैल्यू को फाइंड करना। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले वाला एग्जाम्पल, और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्डअप करते हैं। तो जो पहला हम लोग का क्वेश्चन है, 40% ऑफ 1200 ग्राम। ठीक, तो यहां पर देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। मान लीजिए कोई सुनार है और उससे आपने 1200 ग्राम सोना खरीदा। ठीक, अब वो सुनार कहेगा इसमें 70% क्या मिला है, प्योर सोना मिला है, 40% आपका प्योर सोना मिला है। तो आपको पता करना है कि 1200 ग्राम में 40% होता कितना है। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 1200 ग्राम में 40% एक्चुअल में होता क्या है। तो वही चीज़ इसको फाइंड करनी है आपको, वही चीज़ कह रहा है 40% ऑफ 1200 ग्राम, मतलब 1200 ग्राम में 40% कितना होता है। तो चलिए दोस्तों इसको फाइंड करते हैं। तो हमने पहले क्या बताया, कितनी वैल्यू है उसको लिखेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाई 40, ठीक, परसेंट। अब क्या करेंगे दोस्तों, सेकंड स्टेप, 1200 और ये जो 40 है उसका परसेंटेज नीचे मिलके क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 लेट करेंगे, सेकंड स्टेप, ये से ये कटा, ये से ये कटा, अब दोस्तों आ गया 120/1 × 1 × 4/1। अब मल्टीप्लाई दोस्तों कर देंगे तो 4 0 0, 4 2 8, 4 1 4। तो इसका मतलब 1200 ग्राम में, ठीक है, अगर 40% सोना मिला है तो उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, मतलब 480 ग्राम सोना उसमें प्योरली मिला है। तो 1200 ग्राम का 40% कितना होता है, 480 ग्राम। तो इस तरह से दोस्तों आपको, आई होप आपको इसमें समझ में आ गया क्या कॉन्सेप्ट है, क्या
आखिरी में इसकी मतलब फील क्या है, मतलब क्या ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। तो आई होप आपको इसमें इसकी फील मिली होगी। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिक्सटी परसेंट ऑफ 180, ठीक। मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी जिसका प्राइस है 108 रुपीज़, ठीक, और आपको उसमें 16% का डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो यही वहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मान लो बताओ कि अगर 16% 180 का कितना होगा, मतलब 108 रुपीज़ का 16% कितना होगा। तो चलिए तो 108 लिखेंगे मल्टीप्लाई 16%, ठीक। सेकेंड स्टेप 108 मल्टीप्लाई बाय 16, नीचे आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 100। सो अब तो इसको कैसे करें, देखिए 2 एट ज़ा ले जाएंगे, ठीक, 2 फाइव ज़ा, ठीक। अब यहाँ पे 2 फोर ज़ा, 2 ट्वेंटी फाइव ज़ा, तो हो गया आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं 108 मल्टीप्लाई बाय 4 अपॉन का 25। अब दोस्तों इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर वन, देखिए यहाँ पे 25 कहीं से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मजबूरन हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले 4 एट ज़ा हो जाएगा 32, 3 का मल्टीप्लाई जाएगा 400, 4 3 ज़ा 0, 4, यहाँ पर कर लेते हैं 4 3 ज़ा 4 8 ज़ा 32 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई 400, 0 और 3 हो जाएगा आपका 3, 4 1 ज़ा 4, तो हो जाएगा 432 अपॉन का 25। तो हमें 25 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, तो साइड में कर लेते हैं इसको, 25 अपॉन का 4 3 2 बार में 50 आ जाएगा दोस्तों, तो वन टाइम में ले जाएंगे हम लोग 25 को, तो 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा आपका 8, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1 एंड 2, ठीक। 25 1 ज़ा 4 ज़ा, देखिए 25 1 ज़ा 5, 2 ज़ा हो जाएगा 50, 3 बार में हो जाएगा 75। अगर वन हम 25 को 7 बार में, ठीक, इसको हाइड करेंगे क्योंकि हमें 25 का टेबल नहीं आता, तो हम देखेंगे 2 के टेबल में 18 कितने टाइम्स में आता है, 9 टाइम्स में आता है, तो 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 9 फाइव ज़ा 45, 4 कैरी जाएगा, 9 टू ज़ा 18, 18 और 8 हो जाएगा आपका, बहुत ज़्यादा जा रहा है, और कम से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से ले जाते हैं, 7 फाइव ज़ा 35, 3 7 टू ज़ा 14, 14 और 3 हो जाएगा 17, तो 175। अगर ज़्यादा लेंगे तो दोस्तों ज़्यादा आ जाएगा, तो हम 5-7 टाइम में कंसीडर करेंगे, तो जो आया है 175, तो यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 12 में से 5 गया तो बचा यहाँ पे 7, ये 0, ये 0, 7 बार में। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 लगाएंगे, तो 2 बार में ले जाएंगे हम 50 को, 0 और 2, ठीक। तो इस तरह से दोस्तों जब डिवाइड करने पे जो आंसर आया है 17.2 रुपीज़, ठीक, मतलब 108 रुपये का अगर 16% हमें डिस्काउंट मिल रहा है, तो हमें 17.2 पैसे की हमें छूट मिल रही है। तो इस तरह से दोस्तों हम परसेंटेज निकालते हैं, थोड़ा ये लंबा हो गया, चलिए थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। 20% ऑफ 2 मिनट, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मतलब 2 मिनट का, मान लो 2 मिनट का 20% कितना होता है, सबसे पहले हम 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 20 अपॉन का 100, सॉरी परसेंटेज लिखेंगे, एंड 2 मल्टीप्लाई
20 अपॉन का 100 लिखेंगे। तो देखिए एक जीरो से ये कट जाएगा दोस्तों, टू वन ज़ा टू फाइव ज़ा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन का 1 मल्टीप्लाई का 1 अपॉन का 5, तो 2 वन ज़ा 2 अपॉन का 5, तो 5 को देखिए फॉर्म में आ गया है, तो 5 को यहाँ पे 2 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे और 5 के टेबल में 20 आता है दोस्तों 4 टाइम्स में, तो 5 फोर ज़ा 20, तो जो आंसर दोस्तों आया वो आया 0.4 मिनट। ठीक, तो 2 मिनट का 20% क्या होगा, 0.4 मिनट। आइए दोस्तों थर्ड एग्जांपल हम लोग लेते हैं, थर्ड एग्जांपल है हमारा, सॉरी फोर्थ, 50% ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज का 50% कितना होता है, मतलब मान लीजिए कोई बच्चा आता है स्कूल में, ठीक है, 30 डेज में, और उसकी प्रेजेंट जो होती है वो लगी 50%, मतलब वो 30 डेज में 50% आया, तो टीचर ने पूछ लिया अच्छा बताओ कि वो कितने दिन आया, मतलब वो कितने दिन आया टोटल 30 दिन में। ठीक, तो आपको यहाँ पे परसेंट पता है, तो एक्चुअल मीनिंग क्या होगी 50% की 30 डेज में, तो वो फाइंड करना है हम लोग को, तो 30 मल्टीप्लाई 50% सेकेंड स्टेप 30 को लिखेंगे मल्टीप्लाई 5, और जो ये परसेंट नीचे आ जाएगा ये हो जाएगा आपका 100, तो ये जीरो से ये जीरो दोस्तों कट जाएगा ये वाले से, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 5 15, तो वो 30 डेज में कितने डेज आया है, 15 डेज। ठीक, तो 13 डेज का 50% कितना होता है, 15 डेज। दोस्तों इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर 30 का हम आधा करेंगे 50% से तो 15 डेज ही आएगा। चलिए हमें अब अपने हम लास्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन दोस्तों है हमारा, 2.5% ऑफ 80 मीटर। ठीक, मान लीजिए कोई 80 मीटर क्या है, 80 मीटर कोई कार्डबोर्ड की शीट है, ठीक, उसमें से 2.5 मीटर काट ली गई। ठीक, तो पूछ रहा है कि 2.5 मीटर काट ली गई, तो बताओ कितनी काटी, मतलब 80% का 2.5% कितना होता है, तो चलिए दोस्तों फाइंड करते हैं जल्दी से कि 80 मीटर का 2.5% क्या होता है, तो 80 लिखेंगे मल्टीप्लाई 2.5% लगाएंगे, सेकेंड स्टेप 80 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन का 100। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पॉइंट लगा है, तो पॉइंट को हटाकर एक जीरो है, इतना जीरो यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, तो ये एक जीरो से दोस्तों ये जीरो कटा, 25 वन ज़ा 5 और 24 ज़ा 100, और ये आ जाएगा 8 अपॉन का 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन का 4, तो दोस्तों 4 वन ज़ा 4 और 4 टू ज़ा 8, तो जो तो आता है दोस्तों वो है 2 अपॉन का 1, और इसको हम लिख सकते हैं 2, तो इसका मतलब है 80 मीटर में से 2 मीटर कार्डबोर्ड काट लिया, क्योंकि 80 मीटर का 2.5% क्या होता है, 2 मीटर। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आया होगी क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और फील आपको आई होगी क्या कैसे परसेंटेज को हम निकालते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।